तो आज का हमारा विषय है स्पिरिचुअलिटी एंड पेरेंटिंग। इट्स मीन अगर पेरेंट्स स्पिरिचुअल हैं तो उसका बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, बच्चों के पहले टीचर उनके पेरेंट्स ही होते हैं। ऐसे में पेरेंट्स का माइंडसेट बच्चों के विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। यही कारण है कि पेरेंट्स का आध्यात्मिक होना जरूरी है। एक स्पिरिचुअल माइंडसेट बच्चों की परवरिश में मदद करता है। आइए जानते हैं क्यों पेरेंट्स का आध्यात्मिक होना जरूरी है। कितना अच्छा हो अगर आपका बच्चा समझदार हो, खुश रहता हो, स्वस्थ हो और पॉजिटिव हो। लेकिन अफसोस, आजकल गैजेट्स का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग, सोशल मीडिया और नई नई टेक्नोलॉजी के बीच बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दिल्ली NCR की रहने वाली सोनम मेरी ही सोसाइटी में रहती है। उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता है कि उनके दोनों बच्चे हर वक्त स्क्रीन पर ही रहते हैं। बच्चों में गुस्सा बढ़ गया है। उनका बड़ा बेटा जो कि सिर्फ 8 साल का है, ओवरथिंकिंग का शिकार हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कमी कहाँ रह गई। चाइल्ड स्पेशलिस्ट का मानना है कि कमी बच्चों से ज़्यादा हमारी परवरिश में होती है। जब तक बच्चे को किसी तरह की कोई मानसिक बीमारी नहीं है, तब तक उसे अच्छी पेरेंटिंग से डील किया जा सकता है। और उसके लिए पेरेंट्स को अपना तरीका बदलना होगा। इसमें आध्यात्मिक माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जो माता पिता आध्यात्मिक होते हैं, उनके बच्चों में गर्भ से ही यह संस्कार आ जाते हैं। ऐसे बच्चे जन्म से ही शांत स्वभाव वाले होते हैं। यही कारण है कि आजकल गर्भ संस्कार इतना ट्रेंडिंग है, क्योंकि इसमें माता पिता को आध्यात्मिक ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उनका बच्चा पैदा होने से पहले ही उस माइंडसेट में आ जाए। जिन बच्चों के पेरेंट्स आध्यात्मिक माइंडसेट के होते हैं, उनको इसके कई फायदे मिलते हैं। आप देखेंगे कि जिन पेरेंट्स की लाइफ में माइंडफुलनेस रहती है, उनके बच्चे भी दूसरे बच्चों की तुलना में ज़्यादा खुश रहते हैं। ऐसे बच्चे छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हैं। अध्यात्म डिटैचमेंट का असली मतलब समझाता है। जिन माता पिता की लाइफ में ये प्रैक्टिस होती है, उनके बच्चे मिनिमलिस्टिक लाइफ जीते हैं। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे बहुत भौतिकवादी यानी मेटेलिस्टिक नहीं होते। बच्चे घर पर जैसा माहौल देखते हैं, वैसे ही वह खुद बनने रखते हैं। अगर वो देखेंगे कि घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा और टॉक्सिस बातें ही रहती हैं, तो ये सारी खराब आदतें बच्चों में भी आने लगेंगी। यही कारण है कि एक आध्यात्मिक माहौल बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि सिर्फ आध्यात्मिक पेरेंट्स ही दे सकते हैं। डिसिप्लिन यानी अनुशासन बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। घर में माता पिता अगर अनुशासन में हैं, तो बच्चे भी यह सीखते हैं। और पेरेंट्स की लाइफ में अनुशासन अध्यात्म लाता है। हर दिन सुबह ध्यान लगाना, एक सही दिनचर्या फॉलो करना, अच्छी किताबें पढ़ना आदि अनुशासन भरी जिंदगी जीने का हिस्सा है। और जब बच्चे ये देखते हैं, तो वे भी वैसा ही करना चाहते हैं। अनुशासन सफल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है।